अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में हुआ करते थे। इंद्रदेव उनकी कहानियों से इतने फैसिनेट हुए कि एक बार उन्होंने अहिल्या के साथ समय बिताने का फैसला किया। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा थी, इंद्रदेव अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने घर से बाहर गए हुए थे, तब इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का भेष बनाया और अहिल्या के सामने उनके पति के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अहिल्या को उनसे संबंध बनाने को कहा, लेकिन कुछ ही समय में अहिल्या को यह एहसास हो गया कि वो उनके पति नहीं थे। अपने आप को उनसे दूर कर जब अहिल्या ने सवाल किए तो उन्हें पता चला कि वो दरअसल इंद्रदेव थे। पर जब महर्षि गौतम वापस आए और उन्होंने ये सब देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। इंद्रदेव को भी महर्षि गौतम ने एक भयानक श्राप दिया। श्राप ये था कि इंद्रदेव के शरीर पर 1000 योनियां आ जाएंगी। ये श्राप मिलने के बाद इंद्रदेव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। किसी भी देवता से उनका ये रूप देखा नहीं जा रहा था, इसलिए देवताओं ने ब्रह्मदेव की सहायता मांगी। ब्रह्मदेव के कहने पर इंद्रदेव ने शिव जी का ध्यान किया और शिव जी ने खुश होकर इंद्रदेव के शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। इसलिए इंद्रदेव को 1000 आंखों वाले देवता कहा जाता था।